मैंने एक साहब को गाड़ी में बैठा लिया। मैंने उनसे पूछा, कोई अपने तजर्बे बताएं, आप जरा एक तजर्बा सुने। कहने लगे, मैं एक गरीब आदमी, जब तस्बीह खाने आया था, मेरी तीन कनाल गालिबन, इतना बताया कि मेरी जमीन थी। मैंने एक जमीन का सौदा कर लिया, पैसे देने का वक्त आ गया, पर मैंने कहा, अल्लाह मुझे ऐसा ना हो कि मैं झूठा हो जाऊं, वादा खिलाफी हो जाए। चाश्त के नफिल पढ़े, क्योंकि चाश्त में रोजी की बरकत के वादे हैं। अल्लाह सच्चा, उसका हबीब सच्चा, और मेरे हबीब के गुलाम सच्चे, और उसके वादे सच्चे, और चाश्त के नफल सच्चे, और उसके पढ़ने वालों को सच्चे वादे मिलते हैं, ये भी बात सच्ची है। चाश्त के दो नफिल पढ़े, नफिल पढ़ गए, अब क्या किया? कहने लगे, रब्बे जालनी मुकीम सलाते के बाद जब सलाम फेरने का वक्त आया, उससे पहले मैंने 152 दफा सूरत अलम नशरा पढ़ी। 152 में क्या पढ़ी? सूरत अलम नशरा पढ़ी, और गिड़गड़ा के पढ़ी, और भिखारी बन के पढ़ी, और मोहताज बन के पढ़ी। अत्तहियात में पढ़ रहा हूं, 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 और उंगलियों पे शुमार कर रहा हूं, बस उंगलियों पे, ऐसे ऐसे उंगलियों पे जोर दे के उंगलियों पे ही शुमार कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। कहने लगे, मैं सलाम फेर के मैंने दुआ करनी शुरू की। ऐसे दुआ करनी शुरू की तो मेरी बीवी मस्जिद की तरफ आई और कहने लगी, अल्लाह ने गैब से इंतजाम कर दिया।